सीएम राइज स्कूल का बाबू रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। बताया गया है कि जुलाई महीने की उपस्थिति पंची में हस्ताक्षर करवाने के एवज में 5,000 रुपए की मांग की गई थी, जिसकी शिकायत पीड़ित द्वारा लोकायुक्त में की गई। लोकायुक्त टीम द्वारा जांच पड़ताल की गई, जिसके बाद आरोपी अरुण कुमार जैन पीटीआई सीएम राइज स्कूल खरगापुर को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले की शिकायत देवी दयाल साहू अतिथि शिक्षक वर्ग 1 सीएम राइज स्कूल खरगापुर द्वारा की गई थी। अरुण कुमार जैन कौन से स्कूल में पदस्थ है? शासकीय सीएम राइज वाला खरगापुर। कौन से पद पर पदस्थ है? पीटीआई। क्या है मामला? क्या है मामला? कुछ नहीं है, देवी दयाल साहू द्वारा मुझे 5,000 रुपये दिए गए हैं, जो कि संजीव जैन फलक व्यक्तिगत बालों के मुझे दिए गए हैं। वो मेरा बुआ का लड़का है और दुकान का कुछ उनका लेन देन डला हुआ था, उस पर कुछ उनकी बहस हुई होगी, तो उस पर उन्होंने मुझे पैसे दिए और साथ में लोकायुक्त ने शिकायत कर दी मेरी। और इसके अलावा कोई? आपने पैसे यहीं लेके इलेक्ट्रिकल दुकान पे लिए? नहीं, ये उन्होंने आके अभी पेड़ के बाद जैसे बच्चों को मैं तैयार कर रहा था प्रतियोगिताओं के लिए। तो जाँच में आप सही पाए हैं, क्या आप कहना चाहते हैं इसमें? जाँच में हम तो सही हैं। पुलिस अधीक्षक श्रीमती बस, क्या है मामला? क्या है? ये आवेदक है देवी दयाल, जो स्कूल खरगापुर में, इनके द्वारा हमारे लोकायुक्त में शिकायत की गई थी कि जो कार्यालय में बाबू का कार्य देखते हैं अरुण कुमार जैन, जो पद से पीटीआई हैं, उनके द्वारा जो जुलाई माह से स्कूल का सेशन स्टार्ट हुआ था, तो रजिस्टर जो मतलब इनके द्वारा उपस्थिति पंजी का जो रजिस्टर तैयार किया गया था वो अगस्त माह में तैयार किया गया। तो अगस्त माह में वो अपने उपस्थिति पंजी में साइन कर रहा था, तो जुलाई माह से चूंकि स्कूल प्रारंभ हुआ, सेशन प्रारंभ हुआ, तो जुलाई माह के उपस्थिति पंजी में साइन करने के एवज में उनके द्वारा 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही थी। ऐसी शिकायत आवेदक द्वारा हमारे लोकायुक्त कार्यालय में की गई, जिसका हमने सत्यापन किया, सत्यापन पर सही पाया, और उसी कार्यक्रम में आज उनको 5,000 रुपये की रिश्वत देते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और कार्रवाई की। कब तक कार्रवाई हो जाएगी? और तो कार्रवाई उसके ऊपर डिपेंड करती है, क्रमशः चल रही है, ये तो अपन कह नहीं सकते। इसमें सिंगल वही है कि और भी है? नहीं, एट प्रेजेंट तो चूंकि उनके द्वारा डिमांड की गई है, आरोपी उसमें वही है। टीम में कितने लोग हैं? टीम में मैं और मेरे दो निरीक्षक साथी, एक थाना रक्षक और 3 लगभग कितने बजे आते थे? मतलब यहाँ पर तो हम 11:30 बजे के लगभग 11:15 बजे करीब।